ब्रेकअप के बाद क्या करें, मतलब कि आपका ब्रेकअप हो गया है ना, आपका सामने वाला इंसान के साथ सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ एक्स पार्टनर, जो आपका एक्स हो गया, लड़का हो लड़की हो कोई भी इंसान। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या करें, मतलब कि आपका ब्रेकअप हो गया है ना, आपका सामने वाला इंसान के साथ सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ये वीडियो ना कमाल की होने वाली है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जब भी किसी इंसान का ना ब्रेकअप होता है तो उसके मन में ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अब ब्रेकअप तो हो गया, अब करे तो क्या करे, अब आगे क्या करे। वो कुछ समझ नहीं पाता है, उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, वो काम करना बंद कर देता है। तो आज हम आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो ब्रेकअप के बाद ना आपको हर हाल में फॉलो करना चाहिए। पहला पॉइंट, गिव सम टाइम। जब भी आपका ब्रेकअप होता है ना, तो आप अकबकाओ मत, है ना, पैनिक मत हो, आप ना जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, समझ में आया। आप ना पहले रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा ना खुद को टाइम दो, थोड़ा सा सोचो कि ब्रेकअप हो गया, चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ लाइफ में उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इस चीज़ के बारे में हम कुछ सीख सकते हैं, इस गलती से, इस इंसिडेंट से, इस घटना से हम अपने लाइफ में कुछ लेसन ले सकते हैं। इसलिए आप ब्रेकअप के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अकबका के जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो। अब है दूसरा पॉइंट, सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है ना आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त यार, आपके कोई ऐसे करीबी इंसान जो ना आपके प्रॉब्लम में आपके साथ देते हैं, आपको लगता है कि वो इंसान अच्छा है, उससे आप अपनी फीलिंग, अपना इमोशन, जो भी आप फील कर रहे हो, जैसा भी आप महसूस कर रहे हो, उस इंसान से शेयर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। हो सकता है वो इंसान आपको कोई अच्छा गाइडेंस दे, तो आप उसके पास जाओ, उससे थोड़ा सा ना शेयर करो, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ब्रेकअप के बाद ना ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसमें ना आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर मत कर देना जो ना आपको समझता ना हो, है ना, जो इंसान सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, मेरे साथ कुछ बुरा घटना घटती है, तो हम ना अचानक, है ना, किसी से शेयर करने लगते हैं, हमें समझ नहीं आता है, और ऐसे में हम गलती कर बैठते हैं कि हम किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कर बैठते हैं जो इंसान हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय वो हमें मजाक उड़ाने लगता है, हमें गलत शब्द बोलने लगता है, हमें और प्रॉब्लम में डाल देता है। तो ध्यान रहे, आप ऐसे लोगों के साथ मत शेयर कर देना, सिर्फ कुछ लोग गिने चुने, जिन पर आपको भरोसा हो, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, सिर्फ उसी को बताना, ठीक है। अब है तीसरा पॉइंट, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ एक्स पार्टनर। जो आपका एक्स हो गया, लड़का हो लड़की हो कोई भी इंसान, उसको कॉन्टैक्ट करने से बचो। उस इंसान को किसी भी तरीका से कांटेक्ट मत करना, ना ही कॉल पे, ना ही मैसेज पे, ना वीडियो कॉल पे, ना किसी भी सोशल मीडिया पे। आप उस इंसान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मत कांटेक्ट करो, उसको हर एक जगह से ब्लॉक करके रखो, और साथ में उस इंसान का कोई भी एक्टिविटी, उसका स्टेटस, वो इंसान अपने लाइफ में क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, ये सब चीज़ पे आप नज़र रखना बंद कर दो। अब है चौथा पॉइंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी ब्रेकअप होता है ना, तो सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ पे कम ध्यान देते हैं तो वो है खुद पे। हमारा खाना का टाइमिंग, हमारा सोना का, जागना का, हर चीज़ डिस्टर्ब, सब अनटाइमली हो गया। हम अपने हेल्थ पे नहीं ध्यान देते हैं, इसकी वजह से हमारा हेल्थ बहुत डैमेज हो जाता है, हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम अपना वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, फिजिकली और मेंटली भी। इसलिए अपना ख्याल आप खुद रखो, है ना, टाइमली सो, टाइमली जागो, है ना, टाइमली आप खाना पीना खाओ, अपने हेल्थ पे अच्छा से ध्यान दो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि देखो यार, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ना लाइफ में कुछ देर के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ महीनों के लिए है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपका हेल्थ डैमेज हो गया तो आप ना बाद में बहुत अफसोस करोगे, ये आपके ना लाइफ को ख़राब कर सकती है, इसलिए अपने हेल्थ पे ध्यान दो। अब है पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आप इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक नहीं हो पा रहे हो, आपका जो प्रॉब्लम है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, एनजाइटी, डिप्रेशन, उस इंसान के बारे में आप सोचते ही जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम होते जा रहा है, तब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप डॉक्टर से मिलो, है ना, कोई प्रोफेशनल, कोई एक्सपर्ट, ऐसा इंसान जो इन सभी चीज़ों को डील करता हो, देखता हो। ऐसे में आप एक डॉक्टर से मिल सकते हो, उससे एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि वो जो है वो इस फील्ड में प्रोफेशनल है, एक्सपर्टीज है उसके पास, एक्सपीरियंस है तगड़ा, तो वो आपको हेल्प करेगा इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने में, ठीक है। तो ब्रेकअप के बाद ना हमें ये 5 चीज़ जरूर करनी चाहिए। तो आपका भी अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप ये 5 पॉइंट को फॉलो करो, है ना, इससे आप बहुत आसानी से ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर जाओगे, आपका लाइफ जो है बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने आपके दोस्त यार फ्रेंड उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, है ना। कोई इंसान जिसको लगता है कि ये वीडियो उसको दिखाना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए, उसका ब्रेकअप हुआ है, वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसको ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिए। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको फेस कर रहे हो, तो मेरे चैनल पे ना वीडियोस अवेलेबल है, आप जाओ उसको देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फिर आज के दिन तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।